तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो बढ़िया, हमारी बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते क्योंकि यार बहुत बुरा हो गया है मेरे साथ और स्कूटी के साथ। हुआ ये है कि मेरी लापरवाही के चक्कर में बेचारी मेरी स्कूटी का इंजन खुलने की कगार पे आ गया है, आधा इंजन रिपेयर होने वाला है। मेरी बेवकूफी थी, ठीक है, बताऊंगा आगे कि क्या हुआ। वैसे आज का मौसम पहले की तरह थोड़ा नर्म थोड़ा गर्म और तो लखनऊ का वेदर आजकल वैसे अच्छा है लेकिन थोड़ा गर्म है, बारिश हो जा रही है उसके बाद भी गर्मी हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वेदर होने हो रहा है लखनऊ का। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि क्या हुआ है। तो हुआ ये है कि काफ़ी टाइम से मैंने अपना स्कूटर सर्विस पे नहीं दिया था, सर्विस नहीं करवाया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इंजन ऑयल जो उसका था वो उसका ख़त्म हो गया, ठीक है। उसकी वजह से ही जो इंजन में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम हुई कि मैंने इंजन ऑयल डलवाया था शायद 8 या 9 महीने पहले, ठीक है। तो वो अब इंजन मुझे चेक करवाना चाहिए था लेकिन मैंने चेक नहीं करवाया मुझे, ठीक है। तो मैंने चेक नहीं करवाया, तो ये गलती मेरी है कि मैंने चेक नहीं करवाया और सर्विस नहीं करवाई, इस वजह से इसका हाफ इंजन खुलने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अभी इसमें मैंने चालू अभी इसमें मैंने परसों काम करवाया है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा था वो करवाया है, इंजन ऑयल डलवा लिया है, हॉर्न इंडिकेटर ये सारा कुछ मैंने काम कर दिया है। लेकिन आपको भी अब समझ आ गया होगा, ठीक है, मेरे उससे कि अब यहाँ पे आपका जो कभी भी आपका अगर सर्विस नहीं भी करवा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस नहीं भी आप स्कूटी बाइक कार कुछ भी सर्विस नहीं भी कराएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करिए। अगर वो ख़त्म हो गया तो उसे डलवा लीजिए तुरंत, फिलिंग खत्म होने का वेट मत कीजिए, डलवा लीजिए। क्योंकि बात तो सही है क्योंकि उसे पर मंथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हर 2 महीने पर आप उसे चेक करवाते रहिए कि आपका जो इंजन ऑयल है कितना बचा है कितना नहीं है। देखो जी धुआं मार रही है इसके, उसमें भी इंजन ऑयल नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इसमें अभी काम अभी जैसे चलने वाला काम चल गया है, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ अभी से ठीक करवाऊंगा, नेक्स्ट मंथ ही ठीक करवाऊंगा, अभी तो नहीं क्योंकि उसमें 4-5 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था कि इन्फॉर्मेशन भी थी आप लोगों के लिए कि इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए और डलवाते रहिए, ठीक है। सो वेदर देख रहे हैं आप कितना कमाल का जबरदस्त वेदर हो गया है, ऐसे वेदर में राइडिंग करना बहुत ज्यादा मजेदार होता है। आज और आज संडे का भी दिन है तो निकल जाइए और राइड करिए। हाँ, एक और चीज है, अब जब इसमें इंजन खुल जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कुछ लंबी राइड ये कर पाएगा, शायद कन्फर्म नहीं है, लेकिन जब मैं इंजन खुलवाऊंगा तब उससे पूछूंगा कि भाई ये लंबी राइड हो सकती है नहीं हो सकती है इसे, क्योंकि पता चले लंबी राइड पे चला जाए वहीं पे कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है। मुझे इसमें काफी काम कराना है अभी भाई, इसमें जो फ्रंट टायर है उससे टायर को चेंज करना है, काफी काम है इसके अंदर अभी मेरे पास। दूसरा स्कूटर अभी नहीं लेंगे क्योंकि या फिर कोई बाइक दूसरा क्योंकि लूंगा तो आगे जाके मैं स्कूटर ही क्योंकि ये कंफर्टेबल है। बाइक की अगर मैं बात करूँ, बाइक तो मेरी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल बहुत ज़्यादा महंगी वाली बाइक मुझे पसंद है, तो स्कूटर नहीं, स्कूटर ही लेंगे बाइक नहीं लेंगे क्योंकि ये मेरी कम्फर्टेबल राइड मुझे देता है, ठीक है। और रही बात तो बाइक की, तो बाइक आने वाले टाइम में लिया जाएगा, वो भी आने वाले टाइम में, वो इसलिए क्योंकि बाइक की जरूरत मुझे है राइड पे जाने के लिए और
बाइक में जाने या राइड पे जाने के लिए मुझे एक चाहिए, स्कूटर भी मुझे चाहिए कम्फर्टेबल के, सिटी राइड के लिए मुझे स्कूटर चाहिए और लॉन्ग राइड के लिए मुझे चाहिए बाइक। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, मैं ऐसे 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर एक काफ़ी टाइम काफ़ी दूर दूर मैं जा चुका हूँ, इससे कम्फर्टेबल मुझे थकान महसूस नहीं होती है क्योंकि मैंने इसका सीट मॉडिफाई करा रखी है, तो इस वजह से हो सकता है। और रही बात इससे कि इससे ना इसे मैं बेचूंगा भी नहीं क्योंकि इससे मेरे अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, 6-7-8 साल हो गई हैं मेरे साथ ये है और काफ़ी लंबा साथ इसने मेरा दिया है, तो मैं इसे सेल नहीं करूँगा, अपने पास ही रखूँगा, ठीक करा लूँगा और चलाऊँगा मैं ऐसे ही। तो स्कूटर तो नहीं क्योंकि ये अभी चलेगा और लंबा, इसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम हम सर्विस कराते रहूँगा और ठीक करा लूँगा, तो ये मुझे अभी काफ़ी टाइम चलेगा, काफ़ी का लॉन्ग टाइम चलेगा ये। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग होते हैं अपना काम निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मेरा स्कूटर है, मैं हम साथ में चलेंगे हमेशा और हमेशा साथ में चलेंगे क्योंकि इसने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। हम लोग कहाँ कहाँ नैनीताल वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ आए हैं इससे, तो अच्छा है बढ़िया। सिग्नल खुला हुआ है लेकिन जब तक मैं पहुँचूंगा तक सिग्नल गिर जाएगा, हो सकता है दोबारा खुल जाए जाते जाते, तो ये एक अच्छा रहा। मैं सोच रहा था इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ एक बैठ के, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ, ठीक है, और घर में वीडियो बन नहीं पाती है रात में क्योंकि लाइटिंग ऐसी होती है यार। मेरा दूसरा चैनल है जिसमें बाइक की मैं बातें करता हूँ, सिटीज कार करके चैनल है, आप जाकर देख सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको वहाँ डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब बाइक वगैरह के बारे में आप मुझसे यहाँ भी पूछेंगे तो मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा, ठीक है। एक अभी स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन, बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन आई है स्टैंडर्ड बाइक की, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता दूँ तो जो स्टैंडर्ड है वो भाई टोटली बंद हो गई है, अब नई स्टैंडर्ड 1 सितंबर से आने वाली है और इसकी क्या जानकारी है आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके उसे सब्सक्राइब करिए क्योंकि वहाँ पे बहुत मैं जो बुलेट्स हैं वो उसकी शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कार वाले सोते रहते हैं यहाँ, चलते ही नहीं, तो ये देखो बिल्कुल कोने पे खड़ी है, नहीं हट जाए। लड़कियों का सही है भाई, लड़कियां लेडीज जो मैंने देखी है भाई भीड़ में चलते चली जाती हैं, हाथ देख एक हाथ देंगी, बहुत से लोग होती है एक हाथ भी नहीं देती हैं, चलती चली जाती चलती चली, ये नहीं दिख रहा कि भाई इधर से गाड़ी आ रही है उधर से गाड़ी है ना, चलती चली जाएंगी बिल्कुल बेखौफ। ठीक है चीज होती है भाई, गलत चीज है ना, और कोई थोड़ा सा लग जाए कुछ भी बस तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं देखा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अच्छा यार कौन समझा, कहां से आते हैं लोग भाई, हल्के हल्के टाइम आ रहा है जाने का, अक्टूबर में निकलना है, वही हल्के हल्के टाइम आ रहा है, जहाँ मैंने प्लान प्रिपेयर किया है वहाँ जाने का, ठीक है, अक्टूबर में वहाँ चला जाएगा, पहुँचाया जाएगा आप लोग को। हाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ कि जहाँ मैं जाने वाला हूँ उसकी पूरी जब मैं निकल जाऊँगा तो उसकी जो डिटेल होगी वो मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे अपना दूंगा, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है मैं कैसे जा रहा हूँ कैसे नहीं जा रहा हूँ क्या है जो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन है वो वहाँ दे दूँगा, ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह डाल के जो कुछ भी है, और ब्लॉग तो आएगा ही अलग से, ब्लॉग तो मैं पूरा प्रॉपर डालूंगा ही, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी कि मैं कैसे जा रहा हूँ कहाँ हूँ, ठीक है, तो उसे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है भाई। ये जिस दिन बंद हो गई थी ना रोड पे, घसीटते घसीटते मेरा बुरा हाल था, 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा इसे घसीटने में और मेरे ऑफिस लाने में, हालत खराब हो गई थी ऐसी घसीट, और पसीने से मैं तर बिल्कुल नहा गया था, ऐसा मतलब समझो भाई, बैंड बज जाती है। ये नहीं होता तो कल जाता।
नहीं।